मोडिंग हाउस की तरफ से वेलकम जी। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे मोड्स इंस्टॉल कर रहे होंगे, अपनी गेम्स में एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलते हैं आज के मोड की तरफ। आज का मोड बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक मोड है। आप इसको डाउनलोड करें और अपनी गेम में इंस्टॉल करें। तो चलते हैं अपने मोड की तरफ। मोड को डाउनलोड करने के लिए पहले मेथड में आप अपने गूगल पर जाएंगे और modinghouse.com टाइप करेंगे और यहां से हमारे मेन पेज पर पहुंच जाएंगे। और यहां पर आपके पास बहुत सारे मोड्स हैं जो आपका वेट कर रहे हैं, आप इसको गेम में इस्तेमाल करें। GTA वाई सिटी के भी मोड हैं, GTA सैन एंड्रियास के और GTA 4 मोड्स भी इसमें अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं मोड्स को डिफरेंट और उनको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकेंड मेथड में आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां से आप डायरेक्ट हमारी पोस्ट पर पहुंच जाएंगे रोबोटिक टाइटन चीट डाउनलोड मोड पर। और यहां पर आप इसकी पोस्ट देख सकते हैं, इसकी पिक्चर्स देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट अवेलेबल हैं, एक्टिवेशन और पावर्स यहां पर लिखी गई हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर डाउनलोड मेथड भी और इंस्टॉलेशन मेथड की भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप इनको रीड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपने क्लिक हेयर पर प्रेस करना है और यहाँ पर एक न्यू विंडो ओपन होगी। यहाँ पर लिंक को अनलॉक करने के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपका लिंक अनलॉक हो जाए। सब्सक्राइब का बटन आपके राइट साइड पर अवेलेबल है और यहाँ से आप इसको सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। आपका लिंक अनलॉक हो जाएगा और गेट लिंक पर आपने प्रेस करना है। यहाँ पर दो लिंक अवेलेबल हैं, किसी भी एक लिंक से आप इस मोड को डाउनलोड कर सकते हैं। हम लिंक 2 पर क्लिक करते हैं, एक न्यू विंडो ओपन होगी। यहाँ पर डाउनलोड बटन अवेलेबल है, यहाँ से जस्ट 2.6 MB का ये मोड है, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और डेस्कटॉप पर प्लेस कर सकते हैं। मैं ये ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ और डेस्कटॉप पर प्लेस कर चुका हूँ। इस तरह की जिप फाइल आएगी, आपने इसको एक्सट्रैक्ट टू GTA सैन एंड्रियास रोबोटिक टाइटन फॉल पावर पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर इस तरह की फाइल आ जाएगी आपके पास। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको आपने क्लिक करके ओपन करना है। यहाँ से तमाम फाइल्स को कंट्रोल ए और कंट्रोल सी से कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है अपने गेम फोल्डर में। गेम फोल्डर यहाँ पर अवेलेबल है। अगर ये फोल्डर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपने गेम आइकन पर राइट क्लिक करना है और ओपन फाइल लोकेशन में जाना है और यहाँ पर तमाम फाइल्स को आपने पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, आपने फाइल्स को रिप्लेस भी कर देना है और गेम को स्टार्ट कर लेना है। आप आइकन से भी स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते। चले मैं एक छोटा सा गेम प्ले आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज हम मेन गेम में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपने अगर इसे रोबोटिक मोड को एक्टिवेट करना है तो आपने स्पेस बार और टैब की यहाँ पर प्रेस करनी है, स्पेस बार और टैब की। यहाँ पर ये आ चुका है और यहाँ पर आप अगर इसमें बैठना चाहते हैं, इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, आपने F प्रेस करना है। तो ये आपके रोबोट में सीजे जो है इसके कंट्रोल पावर्स हासिल कर लेगा। अब आप चाहते हैं कि आप इसको यूज करें तो आपने यहाँ पर AWSD से इसको वॉक करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने फास्ट वॉक करानी है तो आपने स्पेस बार और W का बटन प्रेस करना है जिससे ये फास्टली वॉक करेगा। आप देख सकते हैं कि फास्टली वॉक कर रहा है यहाँ पर। इसके अलावा दूसरी पावर्स भी हैं, आप वाइप प्रेस करेंगे तो ये नाइट मोड यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा और वाइप प्रेस करने से ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरह आपने स्पेस बार और माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है जिससे ये मिनी गन से फायरिंग स्टार्ट करेगा। तो आप ये देख सकते हैं ये फायरिंग कर रहा है यहाँ पर। इसी तरह जंप लगाने के लिए आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करना है तो ये हाई जंप यहाँ पर लगाएगा। आप देख सकते हैं ये बहुत हाई जंप लगा रहा है यहाँ पर कंट्रोल की दबाने से। इसी तरह अगर आप मिसाइल थ्रो करना चाह रहे हैं तो मिसाइल के लिए आपने यहाँ पर स्पेस बार और कैप्स लॉक का बटन प्रेस करना है, स्पेस बार और कैप्स लॉक। तो ये देखें यहाँ पर ये मिसाइल जो है वो थ्रो कर रहा है। स्पेस बार आपने होल्ड करना है और यहाँ पर निशाना लेना है और कैप्स लॉक से आप मिसाइल थ्रो कर सकते। तो गाइस बहुत ही पावरफुल मोड है, आप इसको इंस्टॉल करें अपनी गेम में, हमें कमेंट्स में इसके बारे बताएं। इसके अलावा और भी यहाँ पर बहुत सी चीज़ अवेलेबल हैं, आप हमारे पेज से रीड कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं अपनी गेम में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस मोड।